तेरी दुनिया में बेगुनाह। अबे यार तेरा दोस्त आया नहीं, कहाँ रह गया? पता नहीं कहाँ रह गया, आता ही होगा दो मिनट और। अबे यार उसे तो आदत पड़ गई है लेट आने की, तू उसे समझाता क्यों नहीं है? अरे यार नाराज क्यों होता, आ जाने दे समझा दूंगा। वैसे तेरा दोस्त करता क्या है? अरे यार उसने बताया तो कुछ, लेकिन एक दिन कह रहा था कि कंपनी में जॉब करता हूँ। देखता क्या है, आज तुझे दोपहर का लंच नहीं मिलेगा, और जल्दी फटाफट का। लगता है काफी पैसे वाला है तेरा दोस्त। हाँ शायद ऐसा ही समझो। लो मेरा दोस्त भी आ गया। अरे यार इतना टाइम तूने कहाँ लगा दिया? सॉरी भाई वो सुपरवाइजर ने लेट छोड़ा हुआ। अबे यार कभी तो टाइम से आ जाकर इतना लेट कर दिया। अरे यार ऑफिस में ज्यादा ही काम था इसलिए लेट हो गया। चल ठीक है ठीक है, पर एक बात बता तेरे कपड़े इतने गंदे क्यों हैं? तू तो कह रहा था कि ऑफिस में काम करके आया। अरे यार वो सब छोड़ो, पर ये बताओ चलना कहाँ है आज? अरे हम लोग शॉपिंग पे जा रहे थे, पर ये बता तेरे साथ फोटो कैसे खिंचवाएंगे, तेरे तो कपड़े गंदे। अरे यार छोड़ो पहले से बहुत लेट हो रही, चलो चलते ही। चलो अरे हुसैन यार कल बहुत मजा आया भाई। हाँ फुल मजा आया, कहते एंजॉय मजे आ गया कल तो। आनंद आया अच्छा वाला। हाँ अरे यार प्रेमराज का भी तो बर्थडे है। प्रेमराज का? हाँ उसे सरप्राइज भी तो देना है। अरे यार पर वो होगा कहाँ? भाई मेरी कंपनी पास में ही है, मैं खुद ही चला जाऊंगा। अरे हाँ याद आया, मैंने उसे बाइक से छोड़ा था ऑफिस के लिए। अच्छा अच्छा चलो इस बहाने से उसका ऑफिस भी देख लेंगे यार। ठीक है फिर चलो चलो। प्रेमराज घर शायद यही दिखे। हाँ देखने में तो काफी अच्छा लगता है, बढ़िया है। चलो उतर के देखते। चलो अबे यार गया कहाँ, फोन लगा के तो देख। प्रेमराज तू? अरे भाई तुम दोनों इस वक्त यहाँ कैसे? लो भाई हम तेरे पास मिलने नहीं आ सकते क्या? और तूने ये हाल कैसा बना रखा? अरे यार वो सब छोड़ो, आज तेरा बर्थडे है ना, ले सबसे पहले मेरी तरफ से गिफ्ट ले आईफोन का। थैंक यू भाई थैंक यू। देखने यार ये आईफोन तो बहुत महंगा है। अरे यार वो सब छोड़, ये बता केक कहाँ है? केक भी तो काटना है। अभी हो जल्दी आ। अभी बहुत काम बाकी है, तेने आज ये काम नहीं किया तो तुझे आज की मजदूरी नहीं मिलेगी। क्या मजदूरी? तू तो उस दिन बोल रहा था कि ऑफिस में काम करके आया हूँ, इस वजह से लेट हो गया। हाँ भाई तुम लोग मुझे माफ कर देना, उस दिन मैंने झूठ बोला था, यहाँ मेरा कोई ऑफिस नहीं है।
और मैं यहाँ मजदूरी करता हूँ। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तू मेरे साथ इतना घटिया मजाक कर सकता है। ला। हाँ भाई, तुम लोगों से मैंने इसलिए झूठ बोला था, तुम मेरी सच्चाई जानते ही मुझसे दोस्ती तोड़ लेते। और भाई मुझे माफ कर दे। क्या माफ? माफ कर दे साले, तेरी औकात है हमारे साथ घूमने की? अबे तूने साले मेरी इतनी बेइज्जती कराई है ना, इसे मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और हाँ, आज के बाद मेरी नजरों के सामने दिखाई मत देना, गंदी नाली के कीड़े। तू दिन का 200 रुपए कमाने वाला, कहा हम दोनों 2000 रुपए कमाने वाले। अगर तू हमारे साथ रहेगा तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? भाई मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सोच रखा है, तुम मुझसे दोस्ती मत तोड़ो, कुछ दिन बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। अजी खा, ठीक हो जाएगा। अरे यार इसका मुंह क्यों लग रहा है, ये बातों का नहीं लातों का भूत है। तेरी दुनिया में बेगुनाही की। किस्मत बदल दी वेखे मैं, जग बदलदा वेखिया मैं, बदल वेखे अपने मेरा बदलदा वेखिया, सब कुछ बदल गया मेरा, सब कुछ बदल गया मेरा, चल जा रही जावानी। जे हुन तू भी बदल गया मैं ते मर ही जावानी, जे हुन तू भी बदल गया मैं ते मर ही जावानी, जे हुन तू भी बदल गया मैं ते मर ही जावानी, जे हुन तू भी बदल गया मैं ते मर ही जावानी। तू आखरी उम्मीद मेरी किते जावी ना, लुटी होई नूवे जानी लुट किते जावी। बदल दे पत्थर वेखने मैं कच्च बदलदा वेखे, सब कुछ बदल गया मेरा, सब कुछ बदल गया मेरा, चल जारी जावांगी। जे हुन तू भी बदल गया मैं ते मर ही जावांगी, तू भी बदल गया मैं ते मर ही जावांगी, जे हुन तू भी बदल गया मैं ते मर ही जावांगी, जे हुन तुझे सेक्टर 46 में सबसे बड़ी बिल्डिंग बन रही है, उसमें हमें बहुत बड़ी डील मिल सकती है। बहुत बड़ी डील? हाँ बहुत बड़ी डील। ठीक है तो चलती भागे ओनर से बात करते, 10-15 हजार को उसे दे देंगे, 20-25 लाख का हमें फायदा हो जाएगा। चले फिर। चलो चलते। देख भाई अगर हमें यहाँ पे डील मिलती है तो 50 मेरे 40 पे, ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है।
यमराज तू? पहले तुम दोनों ये बताओ यहाँ कैसे? अरे तुझे उससे क्या, पहले तो ये बता ऐसे कपड़े कहाँ से आए तेरे पास? अरे यार बुड्ढा तू भी, चोरी किए होंगे, इसकी औकात है तू नए कपड़े पहनने की? मैंने कहा था ना कपड़े चोरी के हैं। चोरी के ये कपड़े? बच्चा चोरी और औकात, आज मेरी इतनी औकात है तुम दोनों को हाँ खड़े 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 सकता हूँ। तुम्हें क्या लगता था मैं जिंदगी भर तक मजदूरी करता रहूंगा? आज जिस बिल्डिंग पे तुम खड़े हो ना, इसका ओनर भी मैं ही हूँ। लेकिन तू इतना बड़ा आदमी बना कैसे? तू जानना चाहता है? सबकी शुरुआत मजदूरी से होती है और मेरी भी शुरुआत मजदूरी से ही हुई थी। उसके बाद मेरा समय धीरे धीरे बदलता गया, इस साइड के छोटे छोटे टेंडर मुझे मिलते गए और एक दिन मेरी किस्मत ऐसी बदली, टाटा कंपनी का 100 करोड़ का टेंडर मेरे हाथ लग गया और उसी दिन से मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई। और आज इस लाइन में जितने भी टेंडर है ना, वो सब मेरे हाथ में। और हाँ, उस दिन मैंने बोला था ना उससे दोस्ती मत तोड़ो, कुछ दिन बाद सब ठीक हो जाएगा, और तुम दोनों ने अपनी अमीरी के घमंड में आकर मेरी एक न सुनी और तुम दोनों मुझे धक्का देकर चले गए। और हाँ, उस दिन क्या बोल रहे थे, मेरी औकात है हमारे साथ रहने की। तो आज मेरी औकात इतनी है इस शहर का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्टर हूँ। भाई हमसे गलती है, हमें माफ कर दो। प्लीज भाई हमको भी माफ कर दो, जो पीछे हुआ सो हुआ। और हमें नए कॉन्ट्रैक्ट में शामिल करो, 10% कमीशन तुम्हें दे देंगे। कमीशन? वो भी मुझे 10% कमीशन दोगे? तो सुन, जितना तुम एक महीने में कमाते हो ना, उतना मैं एक दिन में ही कमा लेता हूँ। इससे पहले मैं तुम्हें धक्का देकर निकालू, मेरी नजरों के सामने से खुद ही चले जाओ। राम राम सभी भाइयों को। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्योंकि भैया यार वीडियो में बहुत ही मेहनत लगी है, बहुत ही ज्यादा। इसे हद से ज्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब मारो, बेल आइकन दबाओ और मिलते हैं अगली वीडियो में।